हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 3 पे पहुंचे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जिसमें हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में समझ लिया था। आपको पता है कि सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो ह्यूमन बनाते हैं, यानी मैन मेड होते हैं, और ये हमने कई सारे टाइप्स के पढ़े थे, जैसे रेयॉन है आपका, नायलॉन है, फिर पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है, ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर्स है। इवन सिंथेटिक फाइबर के हमने कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़े थे कि काफी चीप होता है और बहुत इजी होता है उसको ऑब्टेन करना, ड्यूरेबल होता है, अफोर्डेबल होता है, सब कुछ होता है आपका। ये सिंथेटिक फाइबर इजी टू मेंटेन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में प्लास्टिक्स के बारे में। तो आप प्लास्टिक से काफी ज्यादा फेमिलियर हैं, यू नो हम लोग एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं और उसके आप लिस्ट भी बना सकते हैं इवन। तो प्लास्टिक्स ना वो इस तरीके से लीनियर फॉर्म में भी होते हैं और इस तरीके से क्रॉस लिंक्ड फॉर्म में भी अरेंजमेंट होता है उनका। लीनियर फॉर्म का मतलब सिंपल, जैसे एक लाइन में वो बना हुआ है, ठीक है, ये लीनियर फॉर्म है। क्रॉस लिंक्ड का अरेंजमेंट कैसा है, कैसा है, एक तरीके का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको एक नेटवर्क स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग भी होती है प्लास्टिक्स की। चलिए, प्लास्टिक्स के बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं। तो प्लास्टिक ना एक तरीके का पॉलीमर है। पॉलीमर, यू नो, पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सारे। मर का मतलब होता है यूनिट्स, यानी कि बहुत सारे यूनिट्स का बना हुआ होता है प्लास्टिक। ये एक सिंथेटिक फाइबर है और जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं ना, उनमें सारे के सारे प्लास्टिक में सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है। कुछ में लीनियर होता है, कुछ में क्रॉस लिंकिंग होता है, जैसे आपने फिगर में देखा। अब ये जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं वो सारे शेप्स, सारे साइजेस, हर साइजेस में अवेलेबल हैं। और आपको पता है कि प्लास्टिक्स ना बहुत इजीली मोल्ड हो सकते हैं, उसको आप लोग मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में। और हम लोग 4R प्रिंसिपल यहाँ चलाते हैं, रिसाइकल, रीयूज, इस तरीके से 4R प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, शीट्स या वायर्स में इसको रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीथीन क्या है इसमें, जो हम लोग पॉलीथीन डेली लाइफ में यूज करते हैं। पॉली का मतलब होता है, अगेन सेम चीज ही है कि मैनी, और ये थीन का मतलब होता है इथीन। इथीन जो है एक तरीके का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये ट्रिपल बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में। और आपको पता है कि जो ये प्लास्टिक पॉलीथीन होता है, इसको भी आप रिसाइकल कर सकते हो, इसको आप रीयूज कर सकते हो, बट इसको खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी होते हैं नेचुरल फॉर्म में, उसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, उसको हम कॉम्प्लेक्स होता है ये पॉलीथीन, तो उसको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी पॉलीथीन का यूज करते हैं हम पॉलीथीन बैग्स बनाने में, ठीक है। अब सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजिली व्हाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। इसका मतलब होता है कुछ प्लास्टिक आपने देखे होंगे ऐसे होते हैं जिसको आप बेंड करो तो आसानी से बेंड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसको आप बेंड करने की कोशिश करो तो ब्रेक कर जाएंगे। जैसे स्विच बोर्ड्स हैं, उनको हम अगर बेंड करेंगे तो वो टूट जाएंगे, ठीक है। और ऐसा लगता है कि वो लकड़ी का बना हुआ होता है, बट वो बेकलाइट का बना होता है। एंड वो बेकलाइट क्या है, इट इज ऑल्सो प्लास्टिक। स्विचेस जो होते हैं बेसिकली वो बेकलाइट के बने हुए होते हैं, बोर्ड्स नहीं। अब व्हेन वी एड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड, ठीक है, यानी कि उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो जिस भी प्लास्टिक का हीट मिलने पे वो बेंट हो जाए आसानी से या वो डिफॉर्म हो जाए, ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। फॉर एग्जांपल पॉलिथीन हो गए, पीवीसी हो गए, ये सब थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है। इनका हम यूज करते हैं टॉयज बनाने में, कॉम्स बनाने में, जितने भी कंटेनर्स हैं वो बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि इनको मोल्ड करके बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो एक बार उसको मोल्ड करके सेट कर दिया, अब उसके बाद आप उसको कितना भी हीट दो वो चेंज नहीं होगा, वो डिफॉर्म नहीं होगा, यानी वो हीट होने पर वो सॉफ्ट नहीं होते। तो ऐसे प्लास्टिक विच वेन मोल्डेड वंस एंड कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग, उसको हीट करने के बाद आप उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते, ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग। और ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बेकलाइट या मेलामाइन, ये आपके दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। बेकलाइट जो है, इट इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक स्विचेस या फिर जो यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने में यूज होता है, क्योंकि यूटेंसिल्स गर्म होंगे। अब हैंडल्स ऐसे होने चाहिए जो गर्म ना हो,
राइट, तो अगर वो गर्म नहीं होंगे तभी तो हम उसको पकड़ सकते हैं. सो दे शुड बी अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ द सेकंड वन इज मेलामाइन. मेलामाइन जो है इट इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, और इस ये इतना अच्छा मटेरियल होता है ना कि फायर को बहुत रेजिस्ट करता है. मतलब अगर आग लग भी गई तो इसमें नहीं लगती, मेलामाइन में आग नहीं लगती. तो इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, और इसीलिए इसका हम यूज करते हैं फ्लोर टाइल्स में, किचन वेयर्स में, या फैब्रिक्स बनाने में भी. इवन आपने देखा होगा कि जो फायरमैन होते हैं वो आग में से कूद जाते हैं, जो उनके ड्रेसेस होते हैं वो उसी टाइप के ड्रेसेस को पहन के सब एक जैसे आग में कूद जाएंगे, आग बुझाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनके शरीर में आग नहीं लगती. क्यों? क्योंकि उनका जो फैब्रिक होता है ना उसके ऊपर मेलामाइन लगा हुआ होता है. तो वो मेलामाइन जो है वो फायर को रेजिस्ट कर पाता है, और जब तक वो कर पाता है तब तक वो आग बुझा देते हैं और सब बच जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से मेलामाइन यूज होता है. यहाँ पे आप देखो ये जो आपके स्विचेस हैं ये बेकलाइट के बने हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ये ऊपर वाले जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने हुए हैं, और नीचे वाले जो आप घर में आपको डेली यूज में आपको दिख जाते हैं, दोज आर्टिकल्स आर मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, जिसको आप मोल्ड कर सकते हो कितनी भी बारी आपको मोल्ड करना है तो. ठीक है, अब प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, आप जो है कोई भी चीज को स्टोर करना है, वाटर है, मिल्क है, पिकल्स है, ड्राई फूड है, किसी को भी, आप प्लास्टिक का कंटेनर यूज करते हो. क्यों? क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट होता है, लाइट वेट होता है, प्राइस बहुत कम होगा. अगर उसको हम एक स्टील का बॉटल और प्लास्टिक की बॉटल को कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो प्लास्टिक की जो कंटेनर्स होते हैं दे आर वेरी लोअर प्राइसेस, चीप होते हैं बहुत, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और हैंडलिंग भी ईजी होती है. बींग लाइटर एंड कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स जो है वो कार में, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में भी इवन वो यूज होते हैं, और इसका जो लिस्ट है दैट इज एंडलेस. यू आप स्टार्ट करोगे काउंट करना एंड यू विल काउंट इट लाइक बियॉन्ड, आपकी काउंटिंग से ऊपर जाएगा इसका यूजेस. ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं प्लास्टिक्स के. तो प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, और नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, यानी कि ये वाटर या एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, कोरोड नहीं करते इजिली, यानी खराब नहीं होते, और इसमें आप बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते, मतलब बहुत सारी चीजों को रखने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लास्टिक बहुत लाइट होता है, बहुत स्ट्रांग और ड्यूरेबल होता है. आप घरों में देखिए जो भी बकेट्स या होंगे या फिर जो कंटेनर्स होंगे उसको आप उठा के देखो, खाली जब हो उठा के देखिए, बहुत ही लाइट होगा, स्ट्रांग भी होता है, इवन ड्यूरेबल भी होता है. और आप उसको डिफरेंट, आपने जो भी इसके लिए काम कर रहे हैं वो इसको डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट साइजेस में इसको मोल्ड भी कर सकते हैं. ठीक है, मोल्ड करके कुछ नया बना देंगे. तो दे आर जनरली चीपर देन मेटल्स, और ये इंडस्ट्रीज में या हाउस होल्ड आर्टिकल्स में दे आर वाइडली यूज्ड. ओके, तो हम लोग डेली लाइफ में इसको बहुत यूज करते हैं, लेकिन प्लास्टिक्स जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए. इस वजह से हम इन प्लास्टिक्स को इलेक्ट्रिक के जो वायर्स होते हैं उनको कवर करने के लिए भी यूज करते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर्स जो उनके हैंडल्स होते हैं उनको भी बनाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक्स हैं उनका हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी यूज है, जैसे कि टैबलेट्स, थ्रेड, इन सब की पैकेजिंग में, वुंड्स जो हम स्टिच करते हैं उसमें भी, सिरिंजेस जो डॉक्टर्स यूज करते हैं उसका जो पैकेजिंग होती है, जो ग्लव्स होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी उनको कवर करने के लिए, सब में प्लास्टिक यूज होता है. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर जो माइक्रोवेव अवन के लिए यूज होता है, जो उनका जो कंटेनर होता है उसमें भी जो है प्लास्टिक वेसल्स होते हैं. इवन आपने देखा होगा जो इंडक्शन होते हैं उसमें जो नॉनस्टिक पैन होता है उसमें ये नॉनस्टिक वाली चीज क्या है, दैट इज टेफ्लॉन, वो भी प्लास्टिक है. और वो जो टेफ्लॉन होता है ये नॉन रिएक्टिव होता है ऑयल या वाटर के साथ, नॉन रिएक्टिव होता है, तो आसानी से जो है आप इसको उसमें लगा सकते हैं और इसको कुक भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वो नुकसान भी पहुंचाता है हमारे बॉडी को. फायर प्रूफ प्लास्टिक की बात करें तो मेलामाइन के भी जस्ट मैंने बात की, उसको फायरमैन के यूनिफॉर्म के फॉर्म में यूज किया जाता है. ओके, प्लास्टिक्स का एनवायरमेंट से क्या रिलेशन है, बहुत ही बेकार रिलेशन है. प्लास्टिक्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो उनको हम एक बार बन गया वो डिकम्पोज ही नहीं होता नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, तो उसको हम सिर्फ रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, यही कर सकते हैं. इसीलिए प्लास्टिक्स का डिस्पोजल जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा इशू हो जाता है उसका. अब अगर हम डिजनरेट करने के टाइमिंग को अगर हम देखें तो देखिए, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स या लेफ्ट ओवर जो फूड स्टफ होते हैं उनको डिजनरेट होने में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि 1 से 2 हफ्ते में डिग्रेड हो जाता है. पेपर हो गया, क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ है या वुड है या वुलन क्लॉथ्स है, ये सब जो है वो एक टाइम के बाद, यानी कि
किसी में साल लग सकता है, किसी में महीने, किसी में दिन, किसी में हफ्ते, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे तरीके से वो डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन टिन, एल्युमिनियम या जितने भी मेटल कैंस होते हैं या जो जितने भी प्लास्टिक बैग्स होते हैं, इनको सालों साल लग जाते हैं, ये डिग्रेड ही नहीं होते। ठीक है, डिग्रेड नहीं होते, माइक्रोब्स इनके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं कर पाता है, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, बेसिकली होता ही नहीं है, सो इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मिट्टी में जाके धस गया तो सॉइल पोल्यूशन कर देगा। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस, अगर इसको जलाया तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ सिंथेटिक मटेरियल दैट इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड इजिली। इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इन टू द एटमोसफेयर, और इससे एयर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, इवन जो प्लास्टिक मटेरियल है, बहुत सारे एनिमल्स, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखी होंगी जिसमें जो प्लास्टिक्स होते हैं वो ऐसे पानी में हमने फेंक दिया, किसी भी तरीके से वो चला गया, तो फिर जो एनिमल्स होते हैं, बेजुबान जो जानवर होते हैं, उन वो ना कवर हो जाते हैं उस प्लास्टिक से, और आपको पता है कि प्लास्टिक के अंदर जो है वो सांस वास तो ले नहीं पाएंगे, तो कई बार एनिमल्स की इसमें डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो उसको कोशिश करना है कि उसको रिवर, इन सब जगहों पे, पानियों में ऐसे नहीं फेंकना उसको। ओके, द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग्स एंड ड्रेन्स टू। ठीक है, बहुत सारी क्लॉगिंग, बहुत सारा ड्रेन जो है इसके वजह से हो जाता है। अब ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा, सारा पानी ओवरफ्लो करेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत सारे डिजीजेस होंगे, मलेरिया जो है वहां पे उस जगह पे फैलेगा, क्योंकि वहां पे मॉस्किटोज उसमें ब्रीड करेंगे। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम बहुत सारे मेजर्स कर सकते हैं, प्लास्टिक फ्री भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली हो नहीं पाएगा क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं प्लास्टिक्स पे। लेकिन यस, हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, उनकी जगह पे हम कॉटन या फिर जूट के बैग्स यूज कर सकते हैं शॉपिंग के लिए। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनको भी हम अलग अलग फेंक सकते हैं, ताकि उनको आसानी से पिक किया जाए और आसानी से उसको रिसाइकल या रीयूज किया जाए। ओके, इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक जो है उनको रिसाइकल किया जा सकता है। ओके, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम 5R प्रिंसिपल पे चलते हैं, 4R भी कई जगह पे लिखा होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। ठीक है, तो रिफ्यूज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग टोटली डिपेंडेंट हैं उस पे, बट यस 5R प्रिंसिपल आप मान के चल रहे हैं। तो फाइबर वाइज क्या है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज ऑन द रोड, टेक कॉटन कैरी बैग और जूट बैग व्हाइल गो फॉर द शॉपिंग, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, जैसे कि स्टील लंच बॉक्स आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। ठीक है, तो आपको आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू।